चलो भाई फिर अब बरेली से बाहर निकलने का टाइम आ चुका है, और ये जो टाइम अब आया है, ये जो एक डिफरेंट फ्रेम ऑफ लाइफ में एंट्री हो रही है, यहाँ पे मैं श्योर हूँ ये जो फ्रेम ऑफ लाइफ है ये हर उस स्टूडेंट का है जो पहली बार अपने घर से निकल के या तो किसी कोचिंग के लिए जा रहा होता है, चाहे कोटा जाए या दिल्ली जाए या कहीं भी जाए, या फिर वो हर एक स्टूडेंट जो पहली बार अपने घर को छोड़ के अपने चाहे वो कॉलेज की इंजीनियरिंग के लिए जा रहा हो या फिर किसी कॉम्पिटेटिव दूसरे एग्जाम की तैयारी के लिए जा रहा हो, ये उस हर बच्चे की फ्रेम ऑफ लाइफ है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे साथ साथ आप लोग भी इस फ्रेम ऑफ लाइफ को इंजॉय करोगे और रिलीव भी करोगे। सो इसमें क्या हुआ, इसमें कई सारी चीज़ें, कई सारे चैलेंजेस थे बरेली से कोटा वाली जर्नी में मेरे। तो इसकी शुरुआत यहाँ से होती है। एक बार मेरे सर ने एक दिन बोला कि कमलेश ने पापा को बुलाओ, मैं जरा मिलना चाहता हूँ। तो मैंने ठीक है सर, मैं बोलता हूँ पापा को। तो फिर एक दो दिन बाद शायद पापा फिर मेरे सर से मिले। उन्होंने मतलब काफ़ी सारी बातें हुई, उनकी जनरल बातें हुई, मेरे से रिलेटेड बातें हुई और कई सारे टॉपिक्स पर उनकी बातें हुई। तो फिलहाल वहाँ पे कॉन्क्लूड ये हुआ कि भाई मैंने एक एक्सपोजर मुझे मिला है, मुझे एक पर्टिकुलर एक्सपोजर जो मिला है मेरी फैमिली में। सर का एडवाइस ये था कि अब आप, मेरा जो छोटा भाई है प्रदीप, उसको एक नेक्स्ट लेवल का एक्सपोजर मिलना चाहिए पढ़ाई के मामले में, एजुकेशन के मामले में। तो मेरा तो चूंकि मैं ट्वेल्थ में, जैसे मैंने बोला कि मैं ट्वेल्थ में ऑलरेडी था, वहाँ पे ट्वेल्थ का मेरा समर वेकेशन से पहले वाला सेशन बरेली में कंप्लीट हो चुका था और मेरा ट्वेल्थ जो है यहाँ तक पहुँचा हुआ था। तो मेरा तो क्वेश्चन नहीं बनता है कि मैं अब उस पॉइंट ऑफ टाइम पे कोई एक नए एक्सपोजर में एंट्री करूँ, चूंकि ट्वेल्थ बोर्ड होता है और CBSE बोर्ड के हिसाब से वो जो समर से पहले वाला सेशन था वो ख़त्म भी हो चुका था। तो मेरे पे तो क्वेश्चन ही नहीं था। मेरे क्वेश्चन अब ये था कि मेरे बाद में जो मेरा छोटा भाई है उसको हम क्या नया एक्सपोजर दे सकते हैं इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन। तो कंक्लूड ये हुआ कि वो कोटा जा रहा है, कंक्लूड ये हुआ कि वहाँ पे हम उसको हम कोटा में एडमिशन दिलाएंगे और उसकी एजुकेशन को एक नया एक्सपोजर दे करके उसको हम लोग एक डिफरेंट लेवल पे उसकी एजुकेशन को एस्टेब्लिश करने का मतलब जो है सारा प्लान हो चुका था। फिर इसमें प्रदीप छोटा भाई जो मेरा था स्टार्टिंग में मतलब रेडी नहीं हो रहा था, वो कह रहा था नहीं ठीक है मैं यहीं से पढ़ूंगा और जो है मैं अभी कोटा के लिए मतलब वो प्रिपेयर नहीं था। छोटा भी था थोड़ा और घर का छोटा था तो थोड़ा सा मतलब उस पर थोड़ा एक एक्स्ट्रा केयर वाला और एक्स्ट्रा जो लव वाला फैक्टर होता है वो भी इम्प्लीमेंटेड था। तो वो फिलहाल फाइनली उसको रेडी कर लिया गया और ये सारी प्रिपरेशन हो गई। वहाँ पे किस कोचिंग में एडमिशन लेना ये भी थोड़ा रफ आइडिया होमवर्क वगैरह कर लिया गया था, ठीक है कितना खर्चा आएगा वो सब भी रफ आइडिया सारा एक्सपेंडिचर सारा मतलब जो है होमवर्क हो चुका था। अब बेसिकली ये था कि जिस दिन हमें निकलना था, ठीक है, उसकी रात वाले दिन एक ट्विस्ट क्रिएट कर दिया, वो मैंने किया। मैं बोला ना कि भाई कुछ चीज़ें हैं जो कि मेरे को ज़बरदस्ती करनी पड़ गई अपनी लाइफ में, वो आगे भी हुई हैं, हमेशा ही हुई हैं, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ पे ये हुआ, मैंने रात में बोल दिया पापा मुझे भी जाना है। तो एकदम से सब लोग शॉक कर रहे हैं, ऐसे कैसे तुम अब सुबह निकलना है, ना कोई प्रिपरेशन है ना कुछ है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये कि भाई मेरा ट्वेल्थ चल रहा है और ट्वेल्थ के बीच में मैं कैसे छोड़ सकता हूँ, और वो तो पॉसिबल ही नहीं है। तो ये एक मेजर क्वेश्चन था, बट मैंने थोड़ा होमवर्क करके रखा था, मैंने वहाँ पे कोटा में सब इंक्वायरी वगैरह फोन मतलब करके सारी इंक्वायरी कर ली थी। उस इंक्वायरी में मैंने ये तो वहाँ पे मैंने कई सारे रिस्क भी लिए कोटा जाने से पहले, वो भी बताता हूँ। तो पहला तो मेरा ये था कि जब मैंने इंक्वायरी की वहाँ पे तो ये तो क्लियर हो गया था कि भाई सब CBSE बोर्ड में तो एडमिशन नहीं मिलेगा, है ना, CBSE बोर्ड में एडमिशन नहीं मिलेगा क्योंकि CBSE बोर्ड ऑलरेडी लाइक वही 30% सेशन उसका खत्म हो चुका था और एडमिशन क्लोज हो चुके थे कोटा के अंदर। तो ये एक सेट मतलब काफ़ी मतलब डिफिकल्ट सिचुएशन बन गई थी मेरे लिए भी कि भाई अब मैं अगर यहाँ से डिसकंटिन्यू कर रहा हूँ वहाँ पे मुझे कंटिन्यू करना है और वही सेम क्लास में और सेम तरीके से शुरुआत करनी है तो वो तो पॉसिबल नहीं है। फिर ये वहाँ पर ये सब इंक्वायरी जब कर रहा था तो ये पता चल गया था कि अगर मुझे वहाँ पे 12th में एडमिशन लेना है तो वो मुझे राजस्थान बोर्ड के स्कूल्स में मिल जाएगा। तो ये मेरा एक रिस्क टेकिंग डिसीजन था कि मैंने CBSE बोर्ड से हमेशा से पढ़ाई की थी और CBSE बोर्ड में मेरा 12th ऑलमोस्ट हो भी शुरू भी हो गया था, अब उसके बाद मुझे राजस्थान बोर्ड में एडमिशन लेना है और ये एक डिफिकल्ट डिसीजन था मेरे लिए। लेकिन मैंने वो ले लिया था कि ठीक है कोई बात नहीं, मैं वहाँ पे एडमिशन लूँगा और
उसमें ने सीबीएसई बोर्ड में नहीं मिलेगा तो राजस्थान बोर्ड में ही ले लूँगा। ये सारी होमवर्क के साथ साथ मैंने जो है ये अपना शाम को बॉम्ब फोड़ दिया कि मुझे भी जाना है। तो पहले तो पापा रेडी नहीं हो रहे थे, और डेफिनेटली बात है कि भाई वो एक क्रिटिकल डिसीजन था, तो इतनी जल्दी से रेडी होने का कोई सवाल भी नहीं होता। फिलहाल वो पापा कैसे भी करके मतलब कन्विंस हो गए थे, रेडी हो गए थे। अब नेक्स्ट चैलेंज ये था घर में कि सब कुछ जो ज़्यादा जो भी सारा फंड्स वगैरह मैनेज किए गए थे प्रदीप के अकॉर्डिंगली किए गए थे, उसकी कितनी फीस है उस हिसाब से, क्या वहाँ का रहने का एक्सपेंडिचर आएगा उस हिसाब से सारी चीज़ें मैनेज की गई थी। अब मेरा मैं क्योंकि एड ऑन हो रहा था, तो पापा ने फिर कैसे भी करके कुछ फ्रेंड्स वगैरह को फ़ोन करके और मतलब फंड्स कुछ अरेंज किए, और फिलहाल मैं अभी कोटा के लिए शुरू हो चुका था, मतलब मैं अभी कोटा की आइटेनरी में ऐड हो गया था। ठीक है, तो इस तरीके से मेरा कोटा का रास्ता बना। अब कोटा में कोटा की चलो हम थोड़ी सी स्टोरी कवर करते हैं, उसके बाद में चूंकि मैं बरेली से बाहर निकल रहा हूँ तो मैं चाहूँगा कि अब मैं अपने नेचुरल फॉर्म में आपको स्टोरी आगे की कन्वे करूँ, जो मेरी नेचुरल फॉर्म है बैठ के वाली इस तरह से नहीं है, है ना, चल चल के मैं थोड़ा सा स्टोरी मतलब मेरा जो है वो जो नेचुरल नेचर है वो है कि लाइक ऑन द व्हील्स। तो मैं आपको अब नेक्स्ट यहाँ से बात की जो स्टोरी कोटा की, मैं जो कोटा से जर्नी शुरू करके बैंगलोर में आऊँगा उस सारी की सारी स्टोरी मैक्सिमम मैं कवर करूँगा, और लाइक आपको मैं उन प्लेसेस पे लेके जाऊँगा वहाँ पे कवर करूँगा, नहीं तो इन फ्रॉम द कार करूँगा, और इस तरीके से हम उसको करेंगे, बहुत ही डेफिनेटली वो इंटरेस्टिंग होने वाली है। फिलहाल तो कोटा पहुँच गए, कोटा में वहाँ पे एक हमारी मतलब हमारे घर के पास में एक और फैमिली थी, वहाँ से मतलब एक बच्चा था वो ऑलरेडी वहाँ पे एक साल पहले से पढ़ रहा था, वो मेडिकल की तैयारी कर रहा था वहाँ पर। तो वहाँ पे हमें ये था कि भाई ठीक है चलो उसके साथ ही उसी वाले घर में जो जहाँ पे वो रह रहा था वहाँ पर भी वहीं पर एक दो रूम खाली थे, तो वहाँ पर जो है हमारा हो गया था सारा सेटलमेंट। तो फिर हम वहाँ गए और पापा शायद वहाँ पे मुझे ध्यान है पापा शायद हाँ 2 से 3 दिन रुके थे हम लोग के साथ में, और उस पूरे टाइम में प्रदीप का सारा एडमिशन प्रोसेस वगैरह पूरा करा दिया गया था। मेरा एडमिशन प्रोसेस वगैरह पापा के जाने के बाद ही मैंने खुद से किया था, क्योंकि वो थोड़ा लेंथी प्रोसेस था, तो फिर वो मैंने खुद किया, उसमें स्कूल भी इन्वॉल्व था, कोचिंग भी ढूंढना था, सब कुछ था, तो मैंने खुद से किया। अब यहाँ पे एक ट्विस्ट ये आया थोड़े दिन में पापा के जाने के बाद, छोटे भाई का मन नहीं लग रहा था वहाँ पे, छोटा भाई बोला भैया मुझे नहीं रहना यहाँ पर, मैं जाऊँगा बरेली, है ना, वो कभी घर से अलग रहा नहीं, और वो छोटा था तो वही लव वाला फैक्टर और वो सब जो फैक्टर था उसके साथ में था। और कुल मिला के उसका जो मेन मतलब जो मैंने समझा उस समय पे भी, वो सच भी निकला बाद में, वो इंजीनियरिंग वाला मटेरियल ही नहीं है मेरा छोटा भाई, वो इंजीनियरिंग वाला बंदा है ही नहीं, है ना, वो उसको हम लोग ज़बरदस्ती करके इंजीनियरिंग में मतलब कुछ करने की कोशिश कर रहे थे, बट ही वॉज नॉट एट ऑल इंजीनियरिंग मटीरियल। वो बंदा था लाइक आर्ट्स वाली फील्ड का, और उसका बेसिकली जो इंटरेस्ट था वो सिविल सर्विसेज में ज़्यादा था, है ना। तो बेसिकली फिर काफ़ी समय तक उसको कन्विंस करने की कोशिश की गई कि भाई रुक जाओ और थोड़े दिन मन नहीं लगेगा, बाद में इंटरेस्ट आ जाएगा, ये सब बातें हुई। लेकिन ऑन द अदर एंड वो शायद 10-15 दिन या फिर कुछ 20 दिन लगे होंगे, वो नहीं कन्विंस हुआ, और फाइनली उसने जो है वहाँ पे मतलब वहाँ फिर उसको वापस हमने उसको वापस भेज दिया, वो वापस चला गया। अब यहाँ से एक नई स्टोरी शुरू हो जाती है, क्योंकि मैं कोचिंग वगैरह ऑलरेडी ढूंढ रहा था, है ना, तो फिर जहाँ पर भी उसने एडमिशन लिया था उसकी उस वाली कोचिंग में फिर उसकी फ़ीस पे, क्योंकि वो रिफ़ंड का वहाँ पे सिस्टम ये था कि कुछ दिन तक का ही शायद गैप देते थे कि उस दिन उस पर्टिकुलर टाइम में रिफ़ंड करना है तो हो जाएगा, उसके बाद वो मतलब काफ़ी डिडक्ट होकर के मिलता था रिफ़ंड। तो फिर जो है डिसीजन ये लिया कि भाई उसी जगह पे मैं पढ़ लेता हूँ, तो फिर उस कोचिंग में मैं पढ़ा, और इस तरीके से फिर जो है कोटा में लाइफ जो है शुरू हो गई, है ना। अब इसमें कोटा में बेसिकली मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस ये रहा कि मैंने बेसिकली क्योंकि मैक्सिमम कोचिंग्स में कोर्सेज शुरू हो चुके थे, तो कोर्सेज शुरू होने की वजह से मुझे या तो मतलब काफ़ी जैसे मैंने मैथ्स की कोचिंग मुझे ध्यान है मैथ्स की कोचिंग मैंने इंडिविजुअली अलग से करी थी, क्योंकि फिजिक्स और केमिस्ट्री मेरे को एक ही जगह पे मिली थी, जो प्रदीप ने एडमिशन लिया था वो फिजिक्स और केमिस्ट्री थी, उस समय वो इनसाइड कोचिंग हुआ करती थी शिशिर मित्तल सर की, तो वहाँ पर मैंने फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ा, और मैथ्स मैंने पढ़ा था, स्टार्टिंग में मैंने मैथ्स पढ़ा था,
विकेआर सर से, है ना। स्टार्टिंग में वो मुझे ध्यान है आज भी कि वो मुझे अच्छे से प्यार से केबिन में बिठा करके जो भी लैग था लाइक उस बैच का वो मेरे को पूरा कराते थे, बड़े अच्छे से पूरा मैथ्स पढ़ाते थे मेरे को, और इस तरीके से मेरा मतलब जो है सारा कुछ सेटल हो गया था। ठीक है, फिर वहाँ पे मैथ्स का मुझे और भी थोड़ा ध्यान आ रहा है कि वहाँ पे मतलब मेरा एक फ्रेंड था, ठीक है, तो वो फ्रेंड मेरा जो है एक वहाँ पे टीचर थे डॉक्टर ज्वाला प्रसाद सर, तो उनसे वो मैथ्स पढ़ने जाता था, तो वो कहता था कमलेश तेरा ना यार मुझे लग रहा है तू मतलब ये ग्राफिकल चीज़ों में बहुत अच्छा है, और तू अगर थोड़ा सा टाइम देगा तो मैं तेरे को सर से बात करूँगा, तू ग्राफ्स वहाँ से पढ़, है ना, तो वो तेरे को जो है बहुत मज़ा आएगा वहाँ पे, वो बहुत अच्छा ग्राफ्स हैंडल करते हैं, बहुत अच्छे ग्राफ मतलब जो अपना कैलकुलस वाला होता है वो बहुत अच्छे से तेरे को पढ़ाएंगे। मैंने कहा ठीक है, तो फिर उस समय तक मैं कुछ पोर्शन आई थिंक मुझे ध्यान है क्योंकि मैं 9-10 महीने ही कोटा में रहा हूँ, बहुत ज़्यादा लंबी जर्नी नहीं रही कोटा में मेरी, तो 9-10 महीने में ही मैंने जो है वहाँ पे ये मैथ्स की कोचिंग जो है मेरी विकेआर सर से की थी, फिजिक्स केमिस्ट्री इनसाइट में हुई थी, बीच में थोड़े कुछ समय के लिए मैं जो है ज्वाला प्रसाद सर से वहाँ पे मैं मैथ्स पढ़ा, है ना, वो फैंटास्टिक मतलब उनका जो वे ऑफ कन्वेइंग था स्पेशली कैलकुलस में वो आउटस्टैंडिंग था, लाइक है ना, इट वॉज लाइक वो अभी भी मेरे हेड में है कि फंक्शंस को हम लोग कैसे हैंडल कर सकते हैं ग्राफिकली, है ना, वो आज भी है। तो इस तरह से मेरा जो है कोटा के अंदर में ये सारा कोचिंग वाला पैटर्न रहा था। अब इसके बीच में कोटा में मेरे जो ऑब्जर्वेशंस रहे थे वो मतलब बहुत ही मतलब डिफरेंट तरीके के हैं, जैसे एक तो मुझे ध्यान है कि जब जैसे परेशान है या फिर टेंशन है थोड़ा सा कि कोचिंग में ये हो रहा है वो हो रहा है, तो वहाँ पे एक छोटा सा टेम्पल था चंबल नदी के किनारे, कराई वाले बालाजी बोलते थे, तो वहाँ जाके बैठना वो एकदम मस्त स्वीट मेमोरी है ना, वहाँ पे जाके बैठते थे, और इस तरीके से जो है कोटा में समय निकला। कोटा का मुझे एक चीज़ अच्छे से ध्यान है अभी भी जो मैं डेफिनेटली शेयर करना चाहूँगा, और वो काफ़ी हद तक सूक्ष्मास की स्टोरीज, सूक्ष्मास की जो पूरा थॉट प्रोसेस है उसमें उसका मेजर रोल है। क्योंकि मैं सीबीएसई बोर्ड से राजस्थान बोर्ड में स्विच कर चुका था, तो मेरे पास ये चैलेंज था कि अब मुझे उस करिकुलम में अपने आप को प्रिपेयर करना है। तो जैसे जैसे बोर्ड का एग्जाम पास आ रहा था वैसे वैसे थोड़ा सा मतलब मेरा भी एक फोकस था कि यार ये राजस्थान बोर्ड का पेपर पता नहीं कैसा आता होगा, क्या सिलेबस है, तो फिलहाल मैंने कुछ समय के लिए वहाँ पे राजस्थान बोर्ड की कोचिंग भी मैंने की थी स्पेशली फॉर बोर्ड, है ना, और वहाँ पे ये चलता था उस समय, अब पता नहीं शायद है कि नहीं है मुझे नहीं पता, बट उस समय ऐसा चलता था कि बोर्ड के लिए बच्चे अलग से एक टाइम पे जैसे जैसे बोर्ड के एग्जाम नज़दीक आते थे उस समय पे वो लोग जो है अपना अलग से बोर्ड पे फोकस करके उन कोचिंग में पढ़ते थे, तो मैंने भी वो किया था। तो उस समय में जो है वो हो गया, कोचिंग हो गई, अब बोर्ड के एग्जाम्स थे और मुझे अच्छे से ध्यान है कि मेरा केमिस्ट्री का पेपर खराब हो गया था, बोर्ड में केमिस्ट्री का पेपर खराब हो गया था, और उस समय शायद मैं कह सकता हूँ वो मेरी लाइफ का पहला ऐसा मोमेंट था, जैसे मैंने बताया बचपन वगैरह में भी मैं परेशान ज़रूर हुआ, ठीक है, मुझे मतलब ये ज़रूर था कि भाई ये मेरे नंबर कम आए, ये आए वो आए, लेकिन उसके बाद में मेरे कभी नंबर कम नहीं आए और मेरे मतलब एकेडमिक्स ठीक ठाक रहा, लेकिन उस समय भी कभी भी मैं मतलब मेरे दिमाग में मतलब कभी ऐसा मेरे दिमाग कभी उस स्टेट पे नहीं पहुंचा कि मैं कोई इमोशनल हुआ हूँ या फिर मैंने कोई रोने वोने का काम किया हो, ऐसा कुछ नहीं किया। वो केमिस्ट्री का पेपर जब खराब हुआ तो मुझे ध्यान है मैं साइकिल से वापस जा रहा था, मेरे पैडल नहीं चल रहे थे, है ना, साइकिल से मैं वापस जा रहा था स्कूल से पेपर दे करके घर जा रहा था, दादाबाड़ी में रहता था तब मैं, है ना, नहीं दादाबाड़ी से मैं शिफ्ट कर चुका था, मैं जवाहर नगर में रहता था उस समय, है ना, तो जब मैं जा रहा था तो मुझे इतना खराब मतलब मैं ऑलमोस्ट लिटरली ऑलमोस्ट रोने वाला स्टेट था मेरा, और शायद पता नहीं मुझे, ठीक है, तो वो मैं साइकिल पे जाते जाते पैडलिंग करते करते मैं अपने आप में अंदर को प्रॉमिस कर रहा था और नरेट कर रहा था कि अब ठीक है, अब देखेंगे, अब जो होगा वो देखेंगे, लेकिन एक बात मैंने अंदर में प्रॉमिस कर ली थी कि अब जिस तरीके से मैंने पढ़ाई की अब तो मुझे इसमें कुछ ना कुछ मेजर चेंजेस करने हैं, इस तरीके से तो नहीं। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको आगे चल के कनेक्ट करूँगा और रिलेट करके मैं आपको नरेट करूँगा, ठीक है, रिलेट करके मतलब कि जो भी चीज़ हम सूक्ष्मास में आज हमारे पास हैं चीज़ें और जो मेरी
आफ्टर एंटरप्रेन्योरशिप में जो मेरी सूक्ष्मास को शुरू करके जो मैंने दोबारा से एक स्टूडेंट लाइफ को री अंडरस्टैंड किया है और रीलिव किया है उनके बीच में रह करके, ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ें जो मैंने एक्सपीरियंस की हैं वही चीज़ें सारी की सारी रीजंस हैं और आइडिया बिहाइंड है सूक्ष्मास, ऐसा नहीं है। आफ्टर बिगिनिंग ऑफ द सूक्ष्मास की जब मैंने उसकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट शुरू की उसके बाद में भी मैंने लाइक कंप्लीट अपना डेडिकेशन और कंप्लीट अपना टाइम दिया है इन एवरी सेगमेंट ऑफ द स्टूडेंट, तो वो सब मैं कनेक्ट करके आपको आगे चल के बताऊंगा। कोटा में ये बेसिकली मेरे साथ एक हुआ था कि भाई जो है वो केमिस्ट्री के पेपर के बाद का जो मेरा जो फीलिंग था वो बहुत ही मतलब डिफरेंट लेवल का था, तो वो एक चीज़ थी। इसके बाद में फिर कोटा में और दो तीन अच्छी चीज़ें मेरे साथ हुई। कोटा में मेरे साथ में मेरा एक स्कूल का फ्रेंड मुझे मिल गया था, कोटा में स्कूल का फ्रेंड जो था वो मेडिकल की तैयारी कर रहा था वो मिल गया था, तो कोटा में मुझे दो अच्छी चीज़ मिली। जो मैं बेसिकली काफ़ी स्पिरिचुअल काइंड ऑफ बंदा स्टार्टिंग से रहा हूँ, ये मैंने शायद अपने कवर नहीं किया पुरानी स्टोरीज में, कुछ चीज़ें हैं जो कि मैं धीरे धीरे बीच बीच में बताता रहूँगा, है ना। तो वो मेरा था, तो एक बार जब मैं इनसाइट में ही कोचिंग में था तो वहाँ पर एक बार कुछ लोग आए उसी कोचिंग में, तो उन्होंने कुछ हमें लाइक चीज़ें बताई लाइक कि हम कौन हैं क्या हैं और काइंड ऑफ थिंग, मतलब वो स्पिरिचुअल पूरी सारी बातें। वो बेसिकली वो जो सभी लोग थे वहाँ पे कुछ भैया लोग और कुछ दीदी लोग आए हुए थे, तो वो बेसिकली ब्रह्म कुमारी से थे। तो कोटा में एक तो मेरा कनेक्ट ब्रह्म कुमारी से हो गया था, है ना, जिसने मुझे काफ़ी अच्छा पॉजिटिव डायरेक्शन दिया। और मैं मेडिटेशन तो मैं पहले भी करता था, है ना, कोटा से पहले भी मैं करता था और उससे पहले भी एक मेरे जो बरेली, अभी चलो थोड़ा सा बरेली से निकले हैं तो छोटी सी एक चीज़ कनेक्ट कर देता हूँ। तो बरेली में एक और भैया थे, तो वहाँ पर जो है वो किसी एक ऐसे रिलीजियस ग्रुप से जुड़े हुए थे, ठाकुर अनुकूल चंद गुरु जी, तो वहाँ पर उन्होंने जो है मेरे को भी कनेक्ट कर दिया। तो वहाँ से मेरी जो है मेडिटेशन जो जर्नी थी वो शुरू हो चुकी थी। फिर कोटा में आकर के ब्रह्म कुमारी इंसाइट में मिल गए, तो वहाँ से फिर एक और भी डिफरेंट लेवल पे शुरू हो गई। इस तरीके से मैं ये भी चीज़ें कनेक्ट करता रहूँगा कि किन किन चीज़ों का मेरी लाइफ में इन्फ्लुएंस रहा है, और जब भी मैं मतलब किसी ऐसी सिचुएशन में आता हूँ तो मैं अपने आप को उन सभी लाइक जो गुरु हैं, लाइक मैं कह सकता हूँ कि मेरे लाइफ में जो गुरु हैं जिनको मैं मानता हूँ उनका क्या रोल रहता है मुझे हर एक टफ से टफ सिचुएशन को फेस करने में। अब वो कैसे है इनडायरेक्टली है क्या है वो एक अलग बात है, बट हाँ आई बिलीव इन दैट। तो यहाँ से ये हो गया, तो यहाँ से ब्रह्म कुमारी, मेरा इंटरेस्ट तो हमेशा से रहता था स्पिरिचुअलिटी में, तो फिर मैं फटाफट एक्सेप्ट कर लेता था। ये नहीं कि भाई मैं वहाँ पे हूँ तो फिर मैं ये नहीं सुनना, ऐसा मैंने कभी नहीं किया। मेरे सामने जो भी आता था मैं सुनता ज़रूर था, हाँ बाकी बाद में फिर उसके बाद में फिर मैं उसमें, ये मेरी कमी भी कह लो, मैं बहुत ज़्यादा डेडिकेटली उस पर टाइम नहीं दे पाता हूँ, लेकिन हाँ इन माई हार्ट आई एम लाइक श्योर कि भाई मुझे फिर वहाँ पे मेरा 100% रिस्पेक्ट फैक्टर रहता था और मैं अंदर में वो पूरी चीज़ पूरी तरह से मानता था, और वो अभी भी वही चल रहा है, ठीक है। फिर वो जो मेरा दोस्त था मेडिकल की तैयारी कर रहा था, वो ओशो को बहुत पढ़ता था, है ना, ओशो टाइम्स ओशो और मैगजीन आते थे कोटा में, मिल भी जाते थे आराम से, तो उनको पढ़ता था। वहाँ से मैंने ओशो को जाना और लिटरली उसको ओशो को पढ़ने के बाद में मैंने इतना पढ़ा है ओशो को, शायद उससे भी ज़्यादा पढ़ा है, उससे भी ज़्यादा बुक्स को मैंने ओशो की पढ़ी है। तो वहाँ से एक डिफरेंट वे ऑफ थिंकिंग प्रोसेस, जो भी अभी तक एक जो प्रैक्टिकल लाइफ को जो मैंने अभी तक लिव किया था उसको एक डिफरेंट लेवल की एक जो माइंड प्रोसेस लाइक एक जो थॉट प्रोसेस है वो मुझे कहीं ना कहीं तक ओशो की जब मैंने ओशो को पढ़ना शुरू किया तो वे ऑफ थिंकिंग द वे ऑफ लाइफ एक अलग लेवल पे मेरे को थोड़ा सा उसका एक्सपोजर मिला। तो यहाँ पर कोटा में मैं यहाँ तक पहुँचा था, मतलब कुछ डेफिनेटली जो मेरा एकेडमिक एरिया था वो तो मैंने डिस्कस किया आपसे, और उसके बाद में जो वहाँ के जो कुछ और मेमोरीज हैं वो भी कवर अप किए, और यहाँ पर जो एक मेरा इम्पॉर्टेंट जो मेरी लाइफ का हिस्सा है कि मैं मेरी लाइफ में जो जिन गुरुज का जो जो मतलब इम्पैक्ट रहा है मेरी लाइफ में वो भी मैंने थोड़ा सा यहाँ तक कवर किया। अब यहाँ पर बैंगलोर में भी आने के बाद में काफ़ी चीज़ें कनेक्ट होंगी, उनको भी मैं आपके सामने रखता रहूँगा।
ठीक है। तो बद इस तरह से मतलब कोटा मेरा हो गया था। कोटा के बाद में मेरा 12th का रिजल्ट जब आया था, जो तब तो मैं वापस बरेली पहुंच चुका था, उस समय रिजल्ट भी बहुत अच्छा नहीं रहा था 12th का, क्योंकि वही लाइक CBSE से राजस्थान बोर्ड में आ गए, और उसके बाद में फिर टाइम जो कुछ, क्योंकि कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम की कोचिंग का और बोर्ड के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन का दोनों में डिफरेंस हो जाता है, तो थोड़ा रिजल्ट भी ख़राब हुआ। बट नो इश्यूज, लाइक वो मैनेजेबल था। बट मेरा ये डिसीजन वहाँ पे पक्का था, जब मैंने JEE का एग्ज़ाम दिया तो मुझे वहाँ पर भी बेसिकली केमिस्ट्री ने मेरे को थोड़ा सा परेशान किया। JEE में भी मेरे को केमिस्ट्री की वजह से मेरा रैंकिंग ख़राब हुआ, मुझे अच्छे से ध्यान है। बट मैं श्योर था कि मेरे को इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन सा कॉलेज मिलने वाला है ना। मैंने कहा जो भी रैंक आएगी वो चलेगी मेरे को, ठीक है। और मैंने एक एग्ज़ाम और ले रखा था उस समय कोटा में, मेरा एक दोस्त था राहुल, कश्मीर से था वो, उसने कॉमेट के का एग्ज़ाम लिया था, तो उसने बोला तू भी ले ले कमरेज, तो मैंने कहा ठीक है चलो मैं भी इस फॉर्म को भर देता हूँ। मैंने वो फॉर्म भर दिया था, तो कॉमेट के का भी एग्जाम मैंने लिया था, ठीक है। उसके लिए उसको एग्जाम को देने के लिए मैं शायद बैंगलोर ही आया था, हाँ उस एग्जाम को देने के लिए मैं बैंगलोर ही आया था, और JEE में मेरा रैंक अच्छा नहीं था, तो वहां से मैंने एडमिशन ना लेकर के मेरा कॉमेट के में रैंक सही सलामत आ गया था, तो मैंने कॉमेट के से अपना जो है एडमिशन बैंगलोर में लिया था, ठीक है। तो इस तरीके से मेरा फिर बैंगलोर में एडमिशन हुआ कॉलेज में, और यहाँ के बाद में अब एक डिफरेंट फेज ऑफ लाइफ शुरू होने वाला है, इसको अब हम लोग अलग से डिस्कस करेंगे। और अब जितनी भी डिस्कशन करेंगे सब मैं कोशिश करूँगा, मैं अपने फेवरेट जो मेरे पॉइंट्स हैं जहाँ पे मैं जाता हूँ, जहाँ पे सारा सूक्ष्मास का थॉट प्रोसेस हुआ है, और कोशिश करूँगा जो मेरा नेचुरल नेचर है ना, बैठ के वाला मेरा नेचुरल नेचर बिल्कुल नहीं है, टू बी फ्रैंक मेरा नेचुरल नेचर है कि मैं चल चल के बात करूं, और मैं वैसा ही मेरा दिमाग भी मस्त चलता है, तो अब हम लोग वैसे ही कनेक्ट होते हैं। और डेफिनेटली यहाँ के बाद में अब हम लोग बरेली छोड़ चुके हैं, और अब तो मतलब हम कोटा से भी बाहर आ गए, तो एक डिफरेंट फेज ऑफ लाइफ में एंट्री करेंगे, और इसके बाद में फिर अब जो है अपना नेक्स्ट लेवल का डिस्कशन शुरू करते हैं, और इसमें आपको काफ़ी